2020 सभी के लिए बहुत ज्यादा खतरनाक रहा। बात करें अगर साल 2020 की, वो हम सभी के लिए क्या, बॉलीवुड के सारे सितारों के लिए भी काफी ज्यादा खतरनाक रहा। तो जी हाजिर हो चुकी है आपकी अपनी दोस्त रंजीत कौर एक बार फिर से बॉलीवुड गॉसिप्स के साथ। तो जी आते ही मैंने बात की है साल 2020 जो कि बीत चुका है और वो बीता साल सभी के लिए बहुत ज्यादा खतरनाक रहा या फिर हम सभी के लिए डिसअपॉइंट रहा, क्योंकि कोरोना जैसी बीमारी ने सभी को चारों तरफ से घेर लिया था। बॉलीवुड की दुनिया के काफी ऐसे सितारे रहे हैं जिन्होंने साल 2020 में हमें अलविदा कह दिया है, और इनमें से अगर बात करें ऋषि कपूर जी की, जी हाँ, जो कि पिछले दो साल से कैंसर की बीमारी से लड़ रहे थे और आखिर वो लड़ते लड़ते साल 2020 में हमें अलविदा कह गए। निधन से पहले ऋषि कपूर शर्मा जी नमकीन मूवी की शूटिंग कर रहे थे, तो जब उनकी शूटिंग में कुछ पार्ट जो था वो रह गया था, लेकिन सुनने में आ रहा है कि उनकी फिल्म को कंप्लीट करेंगे परेश रावल और इनकी ये फिल्म रिलीज होगी उनकी बर्थ एनिवर्सरी 4 सितंबर को। तो जी हम देखेंगे कि इस फिल्म में क्या इंटरेस्टिंग बातें हैं या फिर क्या खास है इस फिल्म में। इसी के साथ खास बात एक और आपको बता देती हूँ, तो जी 16 जनवरी को सिद्धार्थ मल्होत्रा मनाते हैं अपना हैप्पी वाला बर्थडे। तो जी जब इनसे पूछा गया कि उनकी लाइफ में इन्होंने क्या क्या अचीव किया है, तो उन्होंने एक ही बात कही कि उन्होंने अपने करियर की शुरुआत मॉडलिंग से की थी और धीरे धीरे उन्होंने फिल्म जगत में अपना पैर पसारा। हालांकि उनकी काफी कम मूवीज आई हैं, लेकिन जितनी भी मूवीज आई हैं उनमें सभी में वो बहुत अच्छा रोल मॉडल करते हुए नजर आए हैं। तो जी इसी के साथ मैं आपको बता दूं कि उन्होंने अपनी बातों में ये बात भी कही कि जब वो बॉलीवुड की दुनिया में आ रहे थे तो उन्होंने काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। एक टाइम पर उन्होंने बोला कि बस अब मैं इस दुनिया से बाहर ही निकल जाता हूँ, फिर खुद को उन्होंने मोटिवेट किया कि नहीं, कोई तो अच्छा दिन आएगा। तो हम भी होप करते हैं कि वो अपनी अच्छी अच्छी फिल्मों के साथ हमें एंटरटेन करें, और ऐसे ही एंटरटेन करने के लिए मैं आपके साथ हाजिर हो जाऊंगी हमेशा की तरह बॉलीवुड गॉसिप्स में, और जी ढेर सारी बॉलीवुड की बातें आपसे करेंगे। लेकिन अभी के लिए वक्त हो चुका है आपसे इजाजत लेने का। जाने से पहले आप सभी को एक बात कहना चाहती हूँ कि अगर आप वीडियो को लाइक कर रही हैं तो फटाफट से इस वीडियो को शेयर कीजिए और अपना प्यार दीजिए। इसी के साथ अपना रखिए ख्याल, बाहर निकलते हुए आप मास्क जरूर पहनिए, इग्नोर मत कीजिए, ये मत सोचिए कि बीमारी चले गई है, वही वैक्सीन चाहे आ जाएगी, लेकिन जो हम अपने आप का ख्याल रख सकते हैं वो हम खुद ही रख सकते हैं। तो अभी के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना रखिए ख्याल, देखते रहिए यस टीवी।